सो हेलो बड़ी, कैसे हैं आप सब? होप कर रहा हूं कि आप सब एकदम मजे में होंगे और खुश होंगे। यहां पे एक बात आपसे करनी है, दैट इज ऑन सैंपल पेपर। सैंपल पेपर के ऊपर बात करेंगे और कुछ जो सीबीएसई का ट्रेंड है उसके ऊपर बात करेंगे। सो सैंपल पेपर में हमने देखा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम था, और फिर कुछ टाइम के बाद सीबीएसई ने ये सर्कुलर रिलीज किया कि उसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। अब देखो, इससे ये ट्रेंड से क्या पता चलता है कि हमको अलर्ट है ना, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला वो लास्ट ईयर ही कर दिया गया था कि भैया आगे जाके ना हम जो पेपर लेके आएंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा रहेगा। अब ये जो सैंपल पेपर अभी अभी जो सीबीएसई ने रिलीज की थी बहुत सिंपल सा था, तो बच्चे ये देख के बहुत मतलब हर्षोत्साहित हो गए होंगे बहुत सारे लोग कि भैया ज्यादा टेंशन नहीं है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता। बट ट्रेंड देखो, उन्होंने लास्ट ईयर क्या किया था कि लास्ट में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रिलीज की है ना, और फिर उस टाइम पे वो वक्त पे वो लास्ट ईयर के जो बोर्ड एग्जाम थे उसमें उसने वो उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाला नहीं। क्यों? वो अलर्ट कर रहे थे नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब ये साल के लिए 2023-24 के लिए कि इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड तो हमने नहीं डाला, लास्ट ईयर उन्होंने नहीं डाला, बट नेक्स्ट ईयर श्योर है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। और ये जानकर भैया, मतलब ये जानकर के भी हम अगर नादान बने और सैंपल पेपर देखे कि सैंपल पेपर में कुछ ज्यादा था नहीं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अब ये देखो सीबीएसई क्या करता है, आगे जाके बीच में कहीं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कुछ नया सीबीएसई का सर्कुलर जारी कर दे और नया सैंपल पेपर दे दे तुमको कि भैया ये रहा सैंपल पेपर, इसको पढ़ो, ऐसा टाइप में क्वेश्चन आएगा और उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड भरा हुआ हो, तो भैया आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, है ना। आपको पहले ही इंटीमेट उन्होंने किया हुआ है। और यहां पे मैं इसलिए वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे सैंपल पेपर देख के ये सोच रहे होंगे कि उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बट हाँ आप ये बात समझ लो कि आगे जाके सीबीएसई नया पेपर रिलीज कर सकता है और आपको लास्ट में टेंशन दे सकता है, तो उसी उससे बचने के लिए पहले से ही आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी क्वेश्चन करते चलो, जैसे चैप्टर कर रहे हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करते चलो, टेंशन लास्ट के लिए नहीं पालेंगे, पहले से वो टेंशन का मतलब जो अगर घाव होने वाला लास्ट में उसके लिए अगर हमको मालूम है कि वो घाव होगा उससे अच्छा पहले से उसके लिए प्रिकॉशन ले लेना। हाँ, तो जल्द ये आप एक ख्याल दिमाग में डाल लो कि जरूर हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करके रखोगे। और देखो, मेरे को लग रहा है ऐसा कि एंडिंग में जाके ये कुछ ना कुछ नया पेपर रिलीज करने वाले ही हैं। तो यहां तक ये मुद्दा था जो आपके सामने रखनी थी कि आप प्रिपेयर हो जाओ और उसके हिसाब से पढ़ाई करना स्टार्ट करो गाइस, अभी से स्टार्ट करो, लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ो मत, नहीं तो बाद में पैनिक कर जाओगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे ये मुद्दा हम लोग मतलब बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। आपको ये बात पता चल गई होगी कि हाँ क्या क्या करना है, तो पहले से स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, अलविदा।